हेलो एवरीवन, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू स्वा एजुकेशन. माई सेल्फ राधा. और आज हम लोग रिसेंट ट्रेंड इन बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे. एंड दिस लेक्चर इज मेनली बेनिफिशियल फॉर द एस्पायरेंट हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर FCI एग्जाम. सो हम लोगों ने प्रीवियस कुछ लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट कम्प्लीट कर लिया है, जिसमें रिसेंट ट्रेंड इन बायोटेक्नोलॉजी ये बाकी है. सो अगर आप लोगों ने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स नहीं देखे हों, सो यू कैन एक्सेस दोज लेक्चर फ्रॉम द प्ले लिस्ट. सो ट्रेंड इन बायोटेक्नोलॉजी. सो बायोटेक्नोलॉजी आज के टाइम पर फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है. कौन कौन से एरियाज में ये काम करता है? एग्रीकल्चरल फील्ड में, फार्मास्यूटिकल फील्ड में, दैट इज वी कैन से मेडिकल फील्ड में. सो बायोटेक इज अंडरगोइंग अ ग्लोबल इवोल्यूशन. द मोस्ट नोटेबल इनोवेशन इन बायोटेक इन्वॉल्व पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और इंडिविजुअल मेडिकल केयर, ड्रग रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड सिंथेटिक बायोलॉजी. सो लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट दिस ग्रोइंग ट्रेंड इन बायोटेक. सो फर्स्ट आता है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन. पर्सनलाइज मेडिसिन इज ग्रोइंग एज अ रिजल्ट ऑफ द रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट. इन दो चीज़ों को ध्यान में रखकर पर्सनलाइज मेडिसिन जो है आज के टाइम पर एक ग्रोइंग एरिया बन जाता है. फर्स्ट जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट दैट बिगिन इन 1990 टुक अबाउट 13 ईयर एंड $2.7 बिलियन टू कम्प्लीट. जो फर्स्ट जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट था वो 1990 में स्टार्ट हुआ था. विद पर्सनलाइज्ड बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल प्रोफेशनल कैन एनालाइज जेनेटिक टू आइडेंटिफाई मेडिकल रिस्क इन पेशेंट. पर्सनलाइज्ड बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो मेडिकल हेल्थ केयर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो किसी पेशेंट का जेनेटिक लेवल को एनालाइज करके उसमें जो मेडिकल डिसीज कंडीशन है या रिस्क कंडीशन है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जेनेटिक लेवल मींस DNA RNA की स्टडी करके. बाय बेसिक मेडिकल इनोवेशन ऑन जेनेटिक सिक्वेंसिंग डॉक्टर डेवलप यूनिक टेलर मेड हेल्थ सॉल्यूशन. जेनेटिक सिक्वेंसिंग के लिए एक मेथड यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग सेंगर सिक्वेंसिंग. इंक्रीज इन पर्सनलाइज्ड थेरेपी इज एडवांटेजियस फॉर जनरल ट्रीटमेंट एज इट आइडेंटिफाइज मेडिकल इश्यू एट देयर सोर्स, द पेशेंट मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक प्रोफाइल. पर्सनलाइज्ड थेरेपी का क्या बेनिफिट होता है? ये बेनिफिट देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग उस पेशेंट का मॉलिक्यूलर और जेनेटिक प्रोफाइल को एनालाइज कर सकते हैं और मेडिकल इश्यू क्या है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है. सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ पर्सनलाइज्ड थेरेपी. फॉर इंस्टेंस पर्सनलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट फॉर ल्यूकेमिया. एग्जाम्पल के लिए आता है पर्सनलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट फॉर ल्यूकेमिया, जिसके लिए टी सेल थेरेपी को यूज़ किया जाता है. और ये थेरेपी क्या करती है, ये थेरेपी टी सेल थेरेपी, इसके अंदर इम्यून सेल को अटैक किया जाता है, इनको टारगेट किया जाता है. दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू टारगेट ट्यूमर सेल. स्पेशली कौन से सेल को अटैक किया जाएगा? ट्यूमर कॉजिंग सेल्स को. नेक्स्ट आता है ड्रग रिसर्च. ड्रग रिसर्च इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग बायोटेक ट्रेंड ड्यू टू एडवांसमेंट इन स्मार्ट बायोटेक्नोलॉजी. ट्रेडिशनली ड्रग रिसर्च फेस्ड चैलेंजेस विद गेटिंग इनफ पार्टिसिपेंट फॉर ट्रायल. पहले के टाइम पर क्या होता था कि ड्रग की रिसर्च करने के लिए या ड्रग का हम लोग को अगर रिजल्ट जानना है तो हम लोग को वो पार्टिसिपेंट चाहिए जिनके ऊपर हम लोग ट्रायल कर सकें उस ड्रग का, एंड लॉन्ग प्रोडक्शन टाइमलाइन दैट कैन रन इन टू ईयर. सो वो पार्टिसिपेंट जो है इनफ पार्टिसिपेंट नहीं मिल रहे थे, दैट वॉज अ चैलेंज इन ड्रग रिसर्च. बट मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी प्रेजेंट इमेंस पॉसिबिलिटी फॉर ड्रग रिसर्च. जस्ट एज टेली हेल्थ प्रोवाइड अ ब्रिज ओवर टाइम एंड स्पेस टू स्पीड अप ट्राइएजिंग विदाउट पेशेंट हैविंग टू फिजिकली विजिट अ डॉक्टर, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेलरेट ड्रग प्रोडक्शन टाइम लाइन विदाउट ड्रग मेकर हैविंग टू एक्चुअली गेट थाउजेंड ऑफ पार्टिसिपेंट टू कंप्लीट क्लिनिकल ट्रायल. नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इज द लीडर अमंग बायोटेक ट्रेंड इन 2021. बायोटेक कंपनीज हैव डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टू स्ट्रीमलाइन अ वराइटी ऑफ ऑपरेशनल प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल बायो मार्कर आइडेंटिफाई करना,
जिनका कहाँ पर रोल होता है? ड्रग डेवलपमेंट में और डिसीज को डायग्नोसिस करने के लिए. एल्गोरिदम ऑल्सो यूज इमेज क्लासिफिकेशन टू डिटेक्ट ट्रेट ऑफ ह्यूमन डिसीज सच एज कैंसर सेल. और अगर हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में बात करते हैं, सो लीफ में जो डिके हो जाता है या लीफ में जो स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, उनके क्लासिफिकेशन के लिए भी एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ AI टेक्नोलॉजी. अदर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बायोटेक इंक्लूड फिनोटाइप स्क्रीनिंग. फिनोटाइप स्क्रीनिंग मीन्स फिजिकल स्क्रीनिंग एंड माइक्रोबायोम इवेल्युएशन. नेक्स्ट आता है सिंथेटिक बायोलॉजी. सिंथेटिक बायोलॉजी इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, हेल्थ केयर और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सारे सेक्टर पे अपना काम करती है. इन सारे सेक्टर में अप्लाई की जाती है. सिंथेटिक बायोलॉजी बायोफैब्रिकेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फिल्म प्रोडक्शन के लिए, सेल इंजीनियरिंग के लिए, ऑटोमेटेड कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है. चैलेंजेस इन बायोटेक. व्हाइल बायोटेक एडवांसमेंट प्रॉमिस टू ट्रांसफॉर्म हेल्थ, एनर्जी एंड एग्रीकल्चर, इनोवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स अंडरटेकिंग. कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इस फील्ड में. सेवरल चेंजेस इम्पैक्ट द ग्रोथ ऑफ बायोटेक एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन फॉर द पब्लिक. और जो मेन चैलेंज आता है दैट इज बायोटेक कॉस्ट, क्योंकि बायोटेक रिसर्च में पैसा ज़्यादा लगता है और टाइम टेकन होता है. सो बायोटेक रिसर्च इज कॉस्टली एंड ऑफन टेक सेवरल ईयर. फॉर इंस्टेंस, न्यू ड्रग कॉस्ट अराउंड $1 बिलियन ऑन एवरेज टू डेवलप. यानी एक नए ड्रग को डेवलप करने के लिए अराउंड $1 बिलियन पैसा खर्च होता है. फर्म मस्ट इन्वेस्ट हैवियली इन रिसर्च डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अप्रूवल बिफोर ब्रिंगिंग अ ड्रग टू मार्केट. एज द पेंडेमिक कंटिन्यू टू डिसरप्ट सप्लाई चेन, प्रोडक्ट कॉस्ट रिमेन हाई एंड कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम. सो बायोटेक कॉस्ट एक मेन इशू आ जाता है, क्योंकि रिसर्च में रिसर्च एक कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है, कॉस्टली होता है, एंड फर्म हैवियली इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट वन इज द रेगुलेटरी कंसर्न. देर आर न्यूमरस रेगुलेशन दैट अप्लाई टू द बायोटेक इंडस्ट्री. वाइल सम रेस्ट्रिक्शन वर रिलैक्स्ड फॉर COVID-19 रिसर्च टू रिड्यूस द कंप्लाइंस बर्डन, बायोटेक फ्रेंडली एक्सेप्शंस आर अनलाइकली टू कंटिन्यू इन फ्यूचर. सो बहुत सारे रेगुलेटरी कंसर्न अप्लाई किए जाते हैं बायोटेक इंडस्ट्री में. 91% ऑफ फार्मास्यूटिकल फर्म थिंक एडिशनल US रेगुलेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड बियॉन्ड 2021. इंक्रीज्ड रेगुलेशन थ्रेटन टू क्रिएट अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसिंग एंड ड्रग अप्रूवल. सो रेगुलेटरी कंसर्न क्या होता है? ड्रग को रिसर्च करना, ड्रग को डेवलप करना, उसके बाद में ड्रग के लिए अप्रूवल लेना. सो इंक्रीज्ड रेगुलेशन थ्रेटन टू क्रिएट अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसिंग एंड ड्रग अप्रूवल. ये रेगुलेटरी कंसर्न आ जाते हैं इस एरिया में. सो बायोटेक ट्रेंड्स की हम लोगों ने आज बात की, जिसमें हम लोगों ने मेनली पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, जिसके अंदर क्या किया जाता है, जिसके अंदर हम लोग जेनेटिक और मेडिकल एरियाज के बारे में हम लोग बात करते हैं, कि हम लोग मॉलिक्यूलर स्टडी और जेनेटिक लेवल पर स्टडी करके किसी भी इंडिविजुअल की कोई भी अगर मेडिकल रिस्क है या कोई डिसीज़ है उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं. जिसमें हम लोगों ने टी सेल थेरेपी के बारे में देखा था, जिसमें ट्यूमर सेल को टारगेट किया जाता है बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल. हम लोगों ने ड्रग रिसर्च के बारे में पढ़ा कि अगर किसी ड्रग को डेवलप करना है तो उसके लिए ट्रायल्स की रिक्वायरमेंट होगी, और एज अ रिजल्ट ये डिसाइड किया जाता है कि ड्रग अप्रूवल होगा कि नहीं होगा. देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में हम लोगों ने बात किया. देन हम लोगों ने सिंथेटिक बायोलॉजी के बारे में बात की कि किस तरीके से ये सेल इंजीनियरिंग थेरेपी में और अलग अलग एरियाज में ये काम करती है. देन हम लोगों ने चैलेंजेस इन बायोटेक देखे कि बायोटेक का जो रिसर्च एरिया होते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली और टाइम टेकन होता है, और फर्म मस्ट इन्वेस्ट हैवीली इन रिसर्च. सो जो इन्वेस्टमेंट होता है रिसर्च में वो कम किया जाता है, लेकिन ये कॉस्टली प्रोसेस होता है. एज वेल एज कुछ रेगुलेटरी कंसर्न आते हैं, दैट इंक्रीज रेगुलेशन थ्रेटन टू क्रिएट अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसिंग एंड ड्रग अप्रूवल. जिसमें एक मेन जो कंसर्न आता है वो आता है
ड्रग अप्रूवल एंड अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइजिंग ऑल्सो. सो देर आर न्यूमरस रेगुलेशन दैट अप्लाई टू द बायोटेक इंडस्ट्री. सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. सो थैंक यू सो मच एवरी वन. इफ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल फॉर यू, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू कैन कमेंट डाउन बिलो. थैंक यू सो मच.